हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे जो मकान मालकिन हैं उनके ये रिलेटिव हैं, तो इनको अंकल को कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे तो इनकी प्रॉब्लम का पता है। तो यार, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा इनकी प्रॉब्लम के बारे में यार। तो आप एक बार अंकल के पास से अंकल की प्रॉब्लम सुन लीजिए। अंकल जी, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बताइए, क्या है? क्या अंकल जी बताइए, क्या बात है? प्रॉब्लम, मेरी बहू बहुत तंग करती है मेरे को। अच्छा अच्छा और मेरे को कहती है कि तुम मेरे को घूरता रहता है, ये है वो है, खाना नहीं देती, चाय पानी मेरे को करती, काम कर घर का, ये है वो है, गैर मर्दों के साथ कुछ शराब पीती है, नशा करती है, रात दफा लेट आती है। अच्छा अच्छा और जो आपका बेटा है वो क्या? वो बेटा जॉब करता है तो ये उसको भगा देती है, वो मेरी भी नहीं सुनता, इसी की सुनता रहता है, जो इसी की सुनेगा, जो सुनेगा मेरी सुनेगा नहीं, ये इसको। अच्छा अच्छा, मतलब भड़काती है आपके? भड़काती है हमारे में, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, नशा बहुत करती है, नशा वगैरह। आपके बेटे को पता इस बारे में नशा करती है? ना, उसको नहीं पता। अच्छा। ये उसको भड़का देती है। मतलब आपका बेटा, मतलब डेली घर आता है क्या करता? नहीं, वो बाहर जॉब करता है, जो साल में एक बार ही आता है, तो आता है तो ये उसको दबा के रख लेती है, मेरे से काम कराती है, वह बहुत परेशान कर रखा है इसने मेरे को। तो गाइज, अब आपने देखा मतलब अंकल जी की ये प्रॉब्लम है। यार देखो, क्या चल रहा है यार, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब जो इनकी बहू है, मतलब बेटे की बहू, इनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है। मतलब यार, इतने बूढ़े लोग हैं फिर भी इनके साथ ऐसा ही, इनके आराम करने की उम्र है और इनसे काम करवा रही है। तो आप उसे कैसे भी करके एक बार यहाँ पर बुला सकते हो? आप एक बार फ़ोन करो उनके पास ही, नंबर से फ़ोन करो, मैं बात कर लूँगा उनसे। नंबर कौन से है, नंबर बताओ। लो, हाँ लो, मैं मिलाता हूँ, मैं करता हूँ बात। बैल तो गई। हेलो मैम, जो ये अंकल जी है ना, ये पार्क में बीमार हैं, तो आप इनको लेने आ सकते हो? अंकल जी वहाँ कैसे पहुँच गए? यार मुझे नहीं पता, बीमार हैं ये तो। मेरे पास टाइम नहीं है आने का। यार कोई घर में यार इतना बीमार, आपके पास टाइम नहीं आने का, ये क्या बात है? तो यार ये तो बीमार है, कैसे आएंगे यार? यार आप इंसानियत के नाते इतना तो कर सकते हो, इतना तो इनको लेने तो आ सकते हो। यार आप बात को समझा कर, आपकी इनकी फैमिली में हो, आप कम से कम इनको लेने तो आ सकते हो यार। तो यार ये बीमार है, इनके चलने की हालत नहीं है ना। और आप कौन बोल रहे हो? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तो मैंने देखा अंकल जी बीमार हैं। यार ये बीमार हैं, तो कृपया करके आप इनको लेने आ जाओ यार। अच्छा ठीक है, मैं आ चुका हूँ। कौन से पार्क में? लोधी गार्डन है, तो आप एक लोधी गार्डन में आ जाओ और उनको ले जाओ घर पे। ठीक है, ठीक है, फोन काट दूंगा। तो गाइज, अब उनसे बात हो चुकी है, तो वो थोड़ी देर में, पता नहीं कितना टाइम लगाएगी, कितने टाइम में आएगी। तो अंकल जी मैं यहीं पे हूँ, और भैया कैमरा चालू रखना बिल्कुल, ठीक है, कैमरे को बंद मत करना। तो अंकल जी जैसे वो आएगी ना, मैं उसके 2 मिनट बाद आपके पास पहुँच जाऊँगा, ठीक है? तो मैं आता हूँ, ठीक है। 20 minutes later. बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? चलो घर। क्यों? घर पे काम पड़े हुए हैं। काम तू करे, मैं क्या करूँ? मैं काम करना है, चलो घर। काम औरतें करती है, मैं नहीं करता। मैं सिर्फ नशेड़ियों के साथ काम नहीं करता। मैं नशेड़ी, मेरा शौक है वो। काहे का शौक है तेरा? करते हैं आजकल सिगरेट, तू पीनी शुरू की, शराब पीनी शुरू कर दी। नॉर्मल है, चलो कोई नॉर्मल नहीं है ना। मैं अपने हाथ पर हिलाओगे थोड़ा बहुत तो सही। हाथ पैर तू हिला, मैं काहे को हिलाऊं? मैं ना हिलाता ना, मैं जो दारू पीती उसका नाम ना जाता, मैं रहता लड़का लगाएगी। क्या घूरा मैंने तेरे को? शोक शोक है, चलो। क्या घूरता रहा तुम? तो घूरते हो वो तो। क्या घूर रहा हूँ? घूरते हो? क्या घूरता हूँ? गलत नहीं बोला मैंने उसमें।
तुम कहते हो घूरता रहता हूँ, चल जा खा के, मैं नहीं करता ना, मैं नहीं जाता ना, उनको फोन करती हूँ, बोलती हूँ फोन कर दे, फोन कर, फोन करके वहाँ के तू उसको बेकार दे दिया, इनको हस्बैंड को फोन करती हूँ, कर हस्बैंड को फोन जो मर्जी कर, हाँ बहुत परेशान कर रखा है इसने हमारे को, बहुत परेशान कर रखा है। मैं तो ऐसे जा रहा था, क्यों परेशान, मैं तो देख रहा था क्यों परेशान कर रहे हो, जब देखो घर में दारू चल रही है, सिगरेट चल रही है, कभी बियर पी रही है, कभी लड़के आ रहे हैं घर पे, मुझे आपकी सारी बातों को क्या करते हो, करते हो तू बूढ़े आदमी, बातों को पता है, बूढ़े ज्यादा समझदार मत बन, घर में रहते हो, अरे अंकल जी की जो जितनी प्रॉब्लम है मेरे को बोलते हो, मेरे को घूरता रहता है, समझदार मत बनो ज्यादा, झूठ बोलते हैं, अच्छा और आप बीच में आके मत बोलो, अंकल जी झूठ बोले, तू सच्ची है, यहाँ से मेरे को कहते हैं कपड़े धो, काय का धोऊं कपड़े, लेगी ये बोलना क्या कर लेगी, नहीं निकल, नहीं निकलो बोल, ना निकल रहा, यहाँ से निकल, निकल, ज्यादा समझदार मत बन, ठीक है, देख तेरी करतूत, कैमरा लगा रखा है सामने, ज्यादा समझदार मत बना, तेरी जैसी देखी है, कभी कभी रिश्तेदारों को बुला रही हूँ, कभी कभी भाइयों को बुला रही हूँ, बुलावागी बुला अपना भाइया ने, हर टाइम जब हर टाइम नशे में रहेगी, या हर टाइम कभी सिगरेट कभी वो, मेरे को कहती तू घूरता, समझदार मत बना, मेरे को कहती तू घूरता रहता, क्या घूरता मतलब, ये क्या वीडियो क्यों, कुछ भी एक मांगू ना, एक धरती चौटा की वो वीडियो बन रही है सब, तेरे हस्बैंड के पास भेजो, नाम मेरा लगाती है, घूरता रहता है, लड़कों को ले आती है घर पे, शर्म नहीं आती इसको, लड़कों को तो घर पे लेकर आई, अंकल के साथ सारा काम करवाती है, कभी कभी कपड़े दो, कभी ये कर, कभी वो कर, दिमाग खराब है, फोटो बनाओ इसकी वीडियो बनाओ फटाफट, अंकल जी पूरी उम्मीद बन रही है, टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही हो और ये गलत है, आप बहुत परेशान, हाँ वीडियो भेजूंगा मैं, हाँ वीडियो भेजूंगा मैं, दोनों मिलकर वीडियो थाने में लगो, थाने में और हम लगा रही है ना, तब तुझे पता चलेगा कैसे क्या, अरे एक बाप और बेटे की कैमरे में देखना आएगी फोटो, पता चलेगा, हाँ वीडियो ना सब कुछ भेजेंगे, वीडियो भेजूंगा मैं, वीडियो भेजेंगे, अब क्यों ना भेजना, तेरे कड़ कहाँ पे गई, प्लीज अब कहाँ पे गई तेरे कड़, देखो थोड़ा बहुत तो बच्चे से हो जाता है, ओहो बच्चा, अब बच्चा कर रही है, तू बच्चा लग रही है, पहले मेरे को कह रही है चुप, पहले मेरे को कह रही तू घूरता रहता है, बच्चे से देखो तू शर्म आती है, तेरे एक चुप रहे, समझदार मत बना, अरे देखो कभी कभी घर वालों को बुला रही हूँ, कभी ऐसे माफी, अंकल जी माफी मांग, कभी पिटवाऊंगी तुम्हारे को बाहर गंडों से, पिटवाना पिटवा, और जो भी तेरा गुंडा है ना बदमाश है उसने ले, ये किसी को नहीं बुलाया, कोई बदमाश नहीं है, पापा जी माफ कर दो, इनके पास मत भेजना, नहीं मैं अच्छे से पैर पकड़, अच्छे से नहीं मैं नहीं, हाथ जोड़, हाथ हाथ जोड़, पापा जी प्लीज प्लीज बताओ अंकल जी क्या करना है इसका, मारू या छोड़ दूं, पहले वीडियो बनाओ इसकी, वीडियो तो बनेगी, बन गई, टेंशन मत लो, एक लगाओ इसके, मैं साथ हूं आपके, लगाओ इसके, अंकल जी मैं नहीं लगा सकता, देखो औरत है, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता, तब ये मेरे पे हाथ उठाने पे चली जाती है, आप टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ, अगर कुछ करती है ना तो ये लास्ट बार वीडियो आएगी, हाथ जोड़ रही हूं मैं आपके पापा, सारा घर बार सब कैच कर लूंगा, मैं कर लूंगी, आपको कुछ नहीं, आपको आराम करना है बस, 1% भी कुछ करवाए ना अंकल जी से, नहीं कुछ नहीं करवाऊंगी, पुलिस केस करो, अब देखो आंख मार रही है, नहीं अंकल जी टेंशन मत लो, मैं हूँ, ये वीडियो आपके नहीं, आपके बेटे को भरोसा नहीं था ना आपके ऊपर, अब इस ये सब कुछ भेजूंगा ना तब भरोसा हो जाएगा आपके ऊपर, नहीं बिल्कुल मत भेजना, मैं सारे तेरा तो पत्ता कट गया, ज्यादा समझदार मत बन, तेरा पत्ता कट गया, प्लीज 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 प्लीज, अरे प्लीज से क्या होगा, हाथ जोड़ रही हूँ, दुष्कर्म किए वो पापा जी, हाथ जोड़ रही मैं, प्लीज बताओ क्या कर रही हूँ, सारा सारे काम करूंगी, उसका घूरता है मेरे को, सारे काम करूंगी घर के, जो आप कहोगे सारे, जो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ, अभी ऐसे हो करने के लिए क्या, बच्चा छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगी बस, वीडियो, अरे तेरे बाप के समान है, वीडियो मत भेजना भैया, भैया आपके भी मेरे पैर मत छू, प्लीज मुझे, अरे मेरे पैर क्यों छू रहे हो, नहीं वीडियो तो मैं भेजूंगा, वीडियो में भेजूंगी, दिमाग खराब मत, वीडियो तो जाएगी तेरी, कर तू तो मल, अंकल जी खराब हुए हैं, वो नहीं, कुछ नहीं यार, तू सही रही, वो सही है, अब मैं उनकी पूरी सेवा करूंगी, अरे वीडियो तो जाएगी, अब तुझे तू सेवा भी करेगी, तू दोनों काम करेगी, कहती है ना घर वाले को बुला रही हूँ, अरे कैसे खराब होगा, मैं तो अंकल जी को खराब करेगा, वो सही है, नहीं अब तो मैं उनकी पूरी सेवा करूंगी, जो मेरे से गलती होगी पापा जी, हाँ अच्छे, दोनों पैर पकड़ अच्छे से, हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांग, लास्ट बार नहीं है, अरे देख इनका दिल, देख कितना बड़ा है, तुझे एक बार माफ कर दिया, चलो पापा घर तो गाइज आप लोगों ने वीडियो देखी कैसी थी।
और ये कमेंट करके बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और उनका समझौता हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे जो बेटी के बहू ने माफ़ी मांग ली है, मैंने अंकल जी को अपने फ़ोन नंबर दे दिया। और इसकी अब की बार कोई भी 1% भी दिक्कत आती ना तो अंकल जी मेरे पास फ़ोन कर देंगे, उनके बेटे के पास ये क्लिप मैं भेज दूँगा और सारी सच्चाई का पता लगेगा ना उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अंकल जी अब की बार 1% भी परेशान नहीं होंगे, अंकल जी का फुल सपोर्ट मैं करूँगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, और छोरे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई। अरे हमारे भाई का चैनल है आशीष पोपर के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइज जाकर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना। बाय दोस्तों।